हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी एक i20 से रिलेटेड गाड़ी आई है। i20 हमारे पास डीजल में ही है, और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी चलते चलते ना जो क्लच का पैडल है इसका, वो पूरी तरीके से एक जगह जाम हो जाता है। इसका ये बिल्कुल दबता नहीं है, एक जगह इतना ज़्यादा आड़ी हो जाता है कि बिल्कुल ये पत्थर हो जाता है, दबता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि बिल्कुल क्लच पैडल ये फ्री हो जाता है। तो ये जो कंप्लेंट है ये कस्टमर अपने मुंह से हमें बता रहा है, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास गाड़ी आई है तो इसका क्लच बिल्कुल ठीक दब रहा है। फिलहाल क्लच बस इसका हार्ड है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है क्लच दबाने में। बाकी हमारे सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम इसकी नहीं आई है, लेकिन कस्टमर बोल रहा है कि 40 से 45 किलोमीटर चलने के बाद इसके अंदर ये प्रॉब्लम आती है। जब भी गाड़ी लंबी ले कर मैं कहीं भी जाता हूँ तो ये प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं इसके क्लच के सिलेंडर जो यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सिलेंडर की क्या स्थिति है, और एक सिलेंडर इसका बाहर लगा हुआ है उसकी क्या स्थिति है, ये हम चेक करने वाले हैं अभी। तो चलिए चेक करते हैं हम दोनों सिलेंडर क्या कंडीशन में हैं। अगर लीकेज हो गए तो हम इनको चेंज करेंगे, अगर नहीं लीकेज हो गए तो भी हम इसको चेक करेंगे। फिर हम एक बार इसका क्लच भी हार्ड है उसको भी हम एक बार चेक करेंगे के क्लच प्लेट में के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाड़ी लंबी चलने वाली गाड़ी है। तो ये कस्टमर बोल रहा है कि भैया एक बार खोल करके चेक कर लो, अगर क्लच प्लेट की स्थिति ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हार्ड ही चला लूँगा। मैं अभी क्लच का काम तो नहीं कराऊँगा, फिर भी एक बार आप खोल करके चेक कर लो उसको। तो अभी हम इसका गेयर बॉक्स भी हम खोलने वाले हैं, और क्लच प्लेट की क्या कंडीशन है वो मैं आपको वीडियो के अंदर ही दिखाऊँगा। तो चलिए चलते हैं इंजन कंपार्टमेंट में और करते हैं इंस्पेक्शन, कहाँ कहाँ इसके अंदर प्रॉब्लम है। सो गाइस, अभी गेयर बॉक्स की फिटिंग, ऊपर की जो फिटिंग है सारी बन चुकी है। अभी टाइम है गेयर बॉक्स की जो फिटिंग का, नीचे का फिटिंग को खोलने का। तो चलिए गाड़ी को उठाते हैं हम लिफ्ट पर, और फिर हम खोलेंगे नीचे की गेयर बॉक्स की फिटिंग। तो गाइस, गियर ऑयल निकल चुका है हमारा, ड्राइव शाफ्ट हमारी निकल चुकी है, दोनों साइड की ड्राइव शाफ्ट निकल चुकी है, और फिटिंग है राउंड के नीचे की फिटिंग खोलने का, क्योंकि गियर बॉक्स के नीचे की फिटिंग यहाँ पे खुल रही है। उसके बाद हम यहाँ पे इंजन को होल्ड करेंगे स्टैंड के थ्रू, और फिर हम यहाँ से ऊपर का बोल्ट हम खोल करके पूरा गियर बॉक्स हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। अभी 3 बोल्ट हमारे राउंड के रह रहे हैं, हम खोलने के बाद फिर हम गियर बॉक्स को इंजन से अलग करके हम नीचे कर देंगे, और फिर उसके बाद हम अंदर की स्थिति चेक करेंगे क्लच की क्या स्थिति है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. So guys, fitting यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है गियर बॉक्स की। अभी हमारा ये वाला सिलेंडर आ रहा है जो गियर बॉक्स पर लगता है, फोर्क को दबाने का जो काम करता है ये यहाँ पे लगा होता है। ये अभी हमारा ऑर्डर पे है, और ये आने वाला है हमारा 2:30 बजे तक हमें ये मिल जाएगा। तो हम ये वाला इसका सिलेंडर चेंज करेंगे पहले, क्योंकि अगर इससे हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अंदर वाला जो अंदर लगा।
ये वाला सिलेंडर हम चेंज करेंगे जो अंदर क्लच पैडल पर लगा हुआ है। सबसे पहले हम ये वाला सिलेंडर डालेंगे इसका। अभी हो चुकी है फिटिंग पूरी, अब डालते हैं हम गियर ऑयल। सो गाइस आ चुका है हुंडई का जेन्युइन पार्ट हमारे पास में, और हम अभी इंस्टॉल करने वाले हैं इसे गियर बॉक्स के ऊपर, क्योंकि वाला सिलेंडर गियर बॉक्स के ऊपर ही लगा होता है और ज़्यादातर इसके वजह से ही गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है क्लच पैडल फ्री होने की और हार्ड होने की। तो चलिए अभी करते हैं, हम लगाते हैं हम इस वाले सिलेंडर को और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो रही है या अभी भी सेम प्रॉब्लम है। अगर सेम प्रॉब्लम होगी तो फिर हम क्लच पैडल वाला भी सिलेंडर हम चेंज करेंगे इसका। पहले हम सबसे पहले यही वाला सिलेंडर हम इसके अंदर लगाएंगे और प्रॉब्लम को चेक करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे फिटिंग हो चुकी है कम्प्लीट। तो अभी हम एक बार गाड़ी को ऊपर उठाएंगे, लीकेज वगैरह हम चेक करेंगे इसकी, कहीं से कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो चलिए गाड़ी को करते हैं लिफ्ट अप, और लेके चेक करने के बाद गाड़ी को चलेंगे रोड टेस्ट कर लेकर के, वहाँ पर हम इसकी चेक करेंगे कि प्रॉब्लम अभी आ रही है या नहीं आ रही। सो फाइनली गाइज गाड़ी कम्प्लीट होने के बाद अब हो रहा है गाड़ी का रोड टेस्ट। गाड़ी चल रही है रोड पर और फिलहाल कोई प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर नहीं आ रही है, बिल्कुल स्मूथ ही गाड़ी चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर अभी तक नहीं आई है। और गाड़ी जैसे आप देख भी पा रहे होंगे रोड के ऊपर दौड़ रही है गाड़ी, कोई भी दिक्कत इसके अंदर फिलहाल नहीं आई है। तो अभी हम मारते हैं इसका लंबा रोड टेस्ट और देखते हैं क्या स्थिति इस गाड़ी की है, कि अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आती है, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ही करनी पड़ेगी इसकी। अगर प्रॉब्लम आएगी तो आगे हम इसका जो क्लच का सिलेंडर है वो भी हम इसका रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने एक ही रिप्लेस करा है, दोनों एक साथ हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है सिलेंडर की, 7,000 रुपये के आसपास के दोनों ये सिलेंडर हमें पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमने फ़िलहाल एक ही सिलेंडर इसका लगाया है जो गियर बॉक्स पर लगा हुआ है। बाकी हम एक बार रोड टेस्ट मारते हैं 40 से 45 किलोमीटर एक बार हम गाड़ी को चला करके देखेंगे, तब भी प्रॉब्लम आएगी तो हम इसका क्लच वाला सिलेंडर हम इसका वो भी हम चेंज कर देंगे, फिर हम नहीं देखेंगे कि वो कितना महंगा है। तो फिलहाल हमें एक एक करके ही यहाँ पे जो सिलेंडर है वो हम रिप्लेस कर रहे हैं, दो सिलेंडर इसके अंदर लगे होते हैं। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आ रही है, गाड़ी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। सो फाइनली गाइज गाड़ी हमने कर दिया है रोड टेस्ट और गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, कोई भी दिक्कत इसके अंदर नहीं आ रही है। हमने 40 किलोमीटर की गाड़ी ड्राइव कर दी है लेकिन इसके अंदर कोई भी फिलहाल प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अभी हम गाड़ी को करके रेडी है, हम वॉशिंग वगैरह करा करके हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं गाड़ी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी।